अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और आजकल यूपी में कांग्रेस कुछ इसी तरीके के फॉर्मूले पर काम करते हुए सपा के एक कद्दावर नेता को अपने पाले में करने की कोशिशों में लगी है। वैसे तो खुद कांग्रेस प्रदेश में कोई जनाधार नहीं रखती, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर अपने आप को मजबूती देने में कांग्रेस जुटी है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो इस जुमले को सही साबित करने में कामयाब हो गई तो सपा को वो कमजोर कर सकती है। जुमले के आधार पर कांग्रेसी नेताओं को अचानक अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान से हमदर्दी उमड़ पड़ी है। आजम खान ने अपने रिश्तेदार के जरिए ये कहलवाया कि सपा के बड़े नेताओं से वे मिलना नहीं चाहते, जिसके बाद अचानक कांग्रेस को सपा नेताओं पर हमला बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मामले में जवाब मांग रहे हैं। कांग्रेसी अब इस मामले में अखिलेश को घेरने में लगे हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में आजम का साथ क्यों छोड़ दिया, ये बताया जाए। ये मामला तब शुरू हुआ जब आजम खान के बहनोई जमीर अहमद खान ने उनसे जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान खान के बहनोई जमीर अहमद ने कहा कि आजम खान ने उनसे कहा है कि वे किसी भी सपा नेता से मिलना नहीं चाहते, उनके खराब वक्त में किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया। जमीर खान के इसी बयान को आधार बनाकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने सपा पर हमला बोला है। शाहनवाज ने आरोप लगाया है कि आजम खान को अकेला छोड़कर अखिलेश यादव ने अपनी भावी राजनीति का संदेश दे दिया है। आजम खान के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए शाहनवाज ने सवाल उठाया है कि क्या सपा ने आजम खान की 30 साल की सेवा का यही सिला दिया है। शाहनवाज ने इसे मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सपा आजम के पीछे नहीं खड़ी हो सकती तो फिर वो उन मुसलमानों के पीछे क्या खड़ी होगी जिन पर अक्सर फर्जी मुकदमे ला दिए जाते हैं। हालांकि आजम खान के जेल जाने के बाद खुद अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की थी। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के चुनाव के समय भी अखिलेश यादव रैली करने रामपुर पहुंचे थे। अखिलेश ने आजम खान के ऊपर दर्ज मुकदमों को कई बार फर्जी करार दिया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। आपको बता दें कि आजम खान ने अपने बहनोई को ये भी कहा था कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है। आजम खान अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ 26 फरवरी से जेल में बंद हैं। उन्हें रामपुर की बजाय सीतापुर की जेल में रखा गया है। हालांकि सीतापुर जेल में आजम खान को ले जाने के मामले पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी भी की थी और साफ तौर पर कहा था कि प्रदेश सरकार प्रशासन आजम खान पर राजनीति की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है, जबकि इस तरीके का माहौल नहीं बनना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया था प्रदेश सरकार पर कि और भी पार्टियों के कई नेताओं पर इस तरीके के संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जिस तरीके की कार्रवाई आजम खान के खिलाफ की जा रही है, जो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कांग्रेस अब मामले में कूद पड़ी है और समाजवादी पार्टी को ही कांग्रेस गलत ठहरा रही है और आजम खान पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर आजम खान उसके साथ आ गए तो प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ आ जाएगा और कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा, समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। वो भी आजम खान की नाराजगी को समझ रहे हैं और उस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दे रहे हैं। आने वाले वक्त में इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।